तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज हमारा भाई फिर से मेरे साथ आ चुका है शहबाज गाइस। और आज का इंट्रो गाइस बाइक पे हम लोग शूट कर रहे हैं चलते क्योंकि आज टाइम नहीं है। तो गाइस आज बहुत ही एक धमाकेदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है रामचंद्रपुर में, और वहाँ पे हम लोग जाके काफी धमाकेदार कमेंट्री करने वाले हैं। पहले खाना है, उसके बाद काफी धमाकेदार कमेंट्री करने वाले हैं, और वहाँ पे भाई प्राइज इतने सारे रखे गए गाइस, आप चलो यार नहीं लगा सकते। ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल गाइस चलते हैं, अभी स्टार्ट करो बाइक। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, और इंट्रो अच्छा लगा हो तो वीडियो भी अच्छी लगेगी। लेकिन चलो यार लेके चलते हैं आपको रामचंद्रपुर के नगरी में, और आज की शाम गाइस रामचंद्रपुर के नाम। तो गाइस अभी हम लोग हैं तकीपुर बाजार पे, यहाँ से काफी पास में रामचंद्रपुर। लेकिन गाइस वहाँ पे आज फाइनल मुकाबला है, दो धाकड़ टीमों के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सबसे पहले गाइस व्यू देखो यार, कितना प्यारा दिख रहा है। और गाइस हम लोग बाइक जो है काफी स्लो चलाते हैं, मजे लेके चलाते हैं, रोड का भी और बाइक का भी मजा देखो। और सनसेट देखो कितना प्यारा दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो पूरे तो गाइस अभी पोस्टर लगने वाला है फिलहाल मैच का, आपको दिखा दे BCC T10 भीखाबांध रामचंद्रपुर का आज फाइनल मुकाबला। शहबाज रेडी करते हुए तो यहाँ पे कुछ म्यूजिक का प्रदर्शन करते हुए इस मैच को शुरू किया जाएगा। तो इस मैच को जिनके साथ हमारे बड़े भैया कमलेश जी और केके सिंह का आगमन होने वाला है, तो तालियों से स्वागत किया जाए। पहला कदम केके सिंह का इस ग्राउंड में बन चुका है। और हमारे जो भी वॉलंटियर है कृपया अतिरिक्त जो भी दर्शक है जवाब उनको बाहर करें, ताकि मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। हमारे BCC T10 की कमांड हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई आजाद बोले गए, आप दिया जल्द से जल्द टेस्ट की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल कैप्टन आ चुके हैं आमने सामने, जुगल बाबा और दिनेश यादव। चलिए खिलाड़ियों से परिचय करते हुए हमारे इस BCC T10 के मुख्य अतिथियों से दोनों ही कैप्टन परिचय प्राप्त करते हुए अब टेस्ट का प्रक्रिया। और जितने भी खिलाड़ी हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइन पर जाओ प्लीज। हमारे नूरुद्दीन सिंहानी और लेके पार्क रूम है पुनीत पटेल। तो चलिए आप यहाँ रिबन कटिंग होने वाला है। तो चलिए आप उद्घाटन हो चुका है इस BCC T10 का फाइनल का, अब टॉस का प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू होगा। अब टाइम पास का स्टार एनडी कैप्टन जुगल बाबा एंड
दो तो चलिए यहाँ पर शिकट कर दीजिए उसको, तो उसको अपने झूले में कर लिया है। फिलहाल सभी दर्शकों का इंतजार खत्म हो चुका है और यहाँ पे थोड़ी सी जुगल बाबा से कुछ हम पूछना चाहेंगे। तो जुगल बाबा एक बार फिर से आपका स्वागत है दूसरी सीजन के इस फाइनल मुकाबले में। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से आपने पहले बोला था कि 140 करोड़ आप फाइनल आसान हो बताना होगा सभी दर्शकों को कि कितना तक आप रोक सकते हैं। देखिए उस समय जो हुआ उसको सीरियस नहीं लीजिए, मजा था लेकिन अब खेल के मूड में हम लोग आ गए हैं। 20 ओवर का गेम है तो मेरा विपक्षी टीम में भी लगभग करीब करीब 160-170 के स्कोर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे उतने स्कोर तक रोके और गेम उसी में बढ़िया होगा। हाँ हम लोग फील्डिंग करेंगे। बीसीसी टीम के ग्राउंड पे बैठे हुए दर्शक आप लोग खड़े हो जाए, राष्ट्रगान होने वाला है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग खड़े हो जाए। फिर से एक बार तैयार रहा है काफी घुमा के खेलने वाले बॉल ना लोग आज गेंदा के फिरने को नहीं चले और जुगल बाबा हमारे बहुत ही पुराने मित्र भी हैं और देखते हैं क्या करते हैं सर। थैंक यू और काफी बढ़िया रन क्या बात है दर्शक माहौल बनाते हैं और इस चौके की मदद से सिगरेट टीम को इसको जो पहुंचा है 65 रन। एक बार फिर से सोनो तैयार और सामना करेंगे बिजू क्या राधा कृष्ण आप सब से बात करते हैं भाई और यहाँ पर फिर से गेंद को समझ नहीं पाए और कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं वहां काफी शानदार शॉट आ रही है चंदन बदमा साहब जहाँ कहीं भी कमेटी बोर्ड में और अपना पुरस्कार लेके जाए काफी शानदार पुरस्कार से सम्मानित किया जाए हमारे स्कूलों में होने को और भाई आज के हमारे मजबूत कौन कहता है अरबाज काफी क्या पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और काफी खुश नजर आ रहा है और छोटे भाई समाज राजा सही सम्मानित किया जा रहा है पुरस्कार से तो अच्छे मजा अकेले ना आएगा लेकिन ऐसे हम जाने का पैसा लगा रही कमेंट्री आज का होने के और प्रयास कसम करो। सबसे पहले आजाद भाई आजाद भाई को स्वागत करें और पहले के जाए कि कुछ कमी होगा जहाँ जाता है जनता स्कूल में जाने पड़ा हुआ बस ये तो सबने मर्द इस राष्ट्र को आपने
जाकर जा कैमरामैन ना ना हटा दे भाई क्या बात है अगर आप आए हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए और इसे घर मतलब ही अपना दे दीजिएगा कि उसके बाद बेस्ट फील्डर नमस्कार जुड़े उपलब्ध है हमारे इससे फिर से सभी को ग्राम से नमस्कार आ रहा है प्यारे बच्चे फील्डर के रूप में है और जिस तरीके से आपने अपने फील्डिंग के बदले के नाम कमाया है यहाँ क्या आपकी टीम की वो कमी रही है जिसके कारण आप यहाँ पे आज फाइनल मुकाबला नहीं चल पाए? देखिए सबसे पहले आए हुए दर्शकों के लिए आह्वान करता हूँ और जहाँ तक हमारे प्लेयर का बात आया वो थोड़ा कमजोर फील्डिंग था, एक एक प्लेयर दो प्लेयर का फील्डिंग नहीं होती, शॉर्ट गेंद में लगभग 11 फील्डर कर रहा था, नौ प्लेयर को 100 में 100 फेंक देना पड़ेगा, इसीलिए वो मैच हार गया। हम वाली फोटो का मेहमान ही नहीं है जिनका कैप्टन विकास यादव, कहीं ना कहीं ये उतरता को पूरा रामचंद्रपुर याद रखेगा। सबसे पहले तो यहाँ के सभी दर्शकों और आपको और इस टीम को शुक्रिया अदा करते हैं और रही मैच हार की तो हम मतलब सुने थे अलग बहुत मतलब हमें उम्मीद था और हमारे जो बड़े प्लेयर थे वो बोल रहे थे उनको बॉल ला देने के लिए, हम बस ठीक है हम उनको बॉल दें इसे संभाले। हमारे स्वागत है और जो बैकग्राउंड साउंड आपको देखने को मिलता है उसी आधार से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। आपको कमेंट्री कैसा लगा सकते हैं? कमेंट्री का मतलब जवाब होता है बहुत अच्छा रहा और ये जो मैच हुआ अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत सारा मैच यहाँ जितने प्लेयर हैं सबसे ज्यादा मैं मैच खेला हूँ नाइट मैच, लेकिन इतना बेहतरीन नाइट मैच आज तक मैंने नहीं खेला। जैसे की स्टार्टिंग में काफी मैंने घर में दूर की है तो जैसे की कहने में 140 रन बनाए हैं तो वो कहीं मैंने 150 का बात दी तो स्कोर का जो मूल बन है इसलिए मैं अपने जीवन से पांच साल देखने को मैं बात करूंगी हमका पहला ही कॉल कर दिया What?
लास्ट मोमेंट है एक बार नीचे बाप।